Good morning, all students. Today we'll again meet with you with the same unit with same chapter sound. तो इसमें हम आपको समझाएंगे. एक क्वेश्चन है कि आसमान पे जब आप देखते हैं कई बार लाइटनिंग भी होती है, थंडरिंग भी होती है, बट पहले आपको लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद आपको थंडरिंग सुनाई देती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मेन रीजन जो है वो सबसे पहले ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड लाइट की स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है. एंड स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. ऑन द अदर हैंड स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड. यानी ये हो गई 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड और ये आ गई 340 मीटर पर सेकेंड. सो वी विल सी फर्स्ट सी लाइट एंड आफ्टर वी हियर थंडरिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हियरिंग इंपेयरमेंट? हियरिंग इंपेयरमेंट क्या होती है? मीन्स जो आपको सुनाई नहीं देना, बोलापन जो होता है आपके कान में किसी बीमारी की वजह से, दैट इज कॉल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट. द डिसएबिलिटी टू हियर साउंड, आवाज को सुनने की क्षमता ना हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सभी कहते हैं साउंड है, ये है, वो है, जो भी कहते हैं, साउंड आवाज है, लेकिन आपको आवाज सुनाई कैसे देती है? हम ये कहते हैं कि आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है या आपकी मुझ तक मेरे तक पहुंच रही है. तो इसमें इसके बीच एक मटेरियल मीडियम है, दैट इज एयर, जिसकी वजह से साउंड हम तक पहुंच रही है, वो भी है. बट मेन रीजन क्या है कि जब भी वेन एवर द साउंड वेव्स स्ट्राइक्स द डायफ्रैगम इन आवर एयर, हमारे कान में एक डायफ्रैगम होता है कान के पर्दे के अंदर ही, जब भी साउंड उस डायफ्रैगम के साथ स्ट्राइक करेगी तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. क्या प्रोड्यूस होगी? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल बोन्स के द्वारा ईयर नर्व तक पहुंचती है. अगेन आई एम रिपीटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली, कि जब साउंड वेव्स स्ट्राइक्स करती हैं कान के डायफ्रैगम से, व्हेन एवर द साउंड वेव्स स्ट्राइक्स द डायफ्रैगम ऑफ आवर एयर, देन वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस. और वो वाइब्रेशन जो होती हैं वो स्मॉल बोन्स के द्वारा पास होकर हमारे एयर नर्व्स तक पहुंचती हैं. एयर नर्व्स में पहुंचने के बाद वो मैसेज होते हैं हमारे दिमाग में भेज देती हैं कि हमने क्या सुना है, और इस तरीके से हम साउंड को सुनने के काबिल बनते हैं. साउंड वेव्स स्ट्राइक्स करती हैं डायफ्रैगम ऑफ आवर एयर, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. वाइब्रेशन जो होंगी स्मॉल बोन्स के द्वारा एयर नर्व्स तक पहुंचेगी, वहां से हमारे ब्रेन में मैसेज आएगा, आफ्टर दैट वी विल हियर द साउंड. Now, अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाउ कैन साउंड ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स. बड़ी आपने घर में कई बार प्रैक्टिकल किया भी होगा, ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा करें, दो बच्चे अपनी क्लास के हो जाएं, आप दो मैच बॉक्स ले लो और एक लंबा धागा ले लो, आप 20 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा ले लो, 30 मीटर लंबा ले लो, उस धागे का एक एंड जो है वो एक मैच स्टिक के साथ बांध दो और दूसरा एंड जो है वो दूसरी मैच स्टिक के साथ बांध दो. थोड़ा सा उसको हालो करो, खोखला करो अंदर से और सुराख करके उसको धागे को बांध दो. तो अपने दोस्त को कहो कि एक मैच बॉक्स अपने कान से लगा लो और 30 मीटर की दूरी पर दूसरा फ्रेंड को, दूसरा जो आपका फ्रेंड होगा वो वहां से बोलेगा मैच बॉक्स से. तो वो मैच बॉक्स से जब भी वो स्ट्रिंग को आप स्लाइटली थोड़ा सा प्लग करेंगे तो उस दूसरे दोस्त को जिसने कान से एयर मैच बॉक्स लगाई होगी उसको आवाज सुनाई देगी. तो इससे यह सिद्ध हो गया वो एक टेलीफोन की तरह काम हो गया. इस तरीके से आप सेल को खोखला कर लो तभी आपका ये टेलीफोन का मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है. तो इस तरीके से यह सिद्ध हो गया कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स. देन टुडे विल फिनिश दिस चैप्टर. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स? अल्ट्रासाउंड क्या होती है? वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है. वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो और या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, इस किस्म की साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. सो टुडे इज एनफ एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट.